अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर थर्ड चैप्टर, सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन इट एट पेज नंबर 40। इन द लास्ट क्लास वी लेफ्ट इट हियर, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद कल्चरल कंट्रीब्यूशन। शाहजहां इज रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ मॉन्यूमेंट्स। शाहजहां को हम याद करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बिल्डर थे अलग अलग इमारतों के। दीज कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस ड्यू द इंक्रीज ऑफ रेवेन्यूज कलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज एम्पायर। ये कंस्ट्रक्शन हो पाए क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करा था अपने इतने बड़े साम्राज्य से। हिज राइन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। उसके वक्त को, जिस वक्त शाहजहां राज कर रहे थे, उस राज के दौर को हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। द ताजमहल इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल हिज मॉन्यूमेंट्स। जितनी भी इमारतें शाहजहां ने बनाई उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर है ताजमहल। ही ऑल्सो बिल्ड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, नाउ नोन एज ओल्ड दिल्ली। उसने शाहजहानाबाद का शहर भी बनाया जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन शाहजहां एंड हिज टाइम। हमें शाहजहां और उसके राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। पद शाहनामा बाय अब्दुल हमूद लाहौरी एंड शाहजहानामा बाय इनायत खाना, टू इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। पद शाहनामा जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, शाहजहानामा जो इनायत खान ने लिखा था, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे हमें शाहजहां के पीरियड के बारे में पता लगता है। मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स, मर्चेंट एंड मिशनरीज, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स मतलब यात्री, व्यापारी और मिशनरीज आए who visited India and have left behind accounts of Shah Jahan's and Aurangzeb's reigns। जिन्होंने इंडिया की यात्रा करी और बहुत सारे अकाउंट्स, अकाउंट होता है एक तरीके से डिस्क्रिप्शन, आपने जिस जगह को विजिट करा उसके बारे में लिखना, और उन्होंने अकाउंट्स लिखे किसके बारे में, शाहजहां और औरंगजेब के राज्य के बारे में। द मोस्ट वेल नोन अमंग देम आर ट्रेवल इज द मुगल एम्पायर बाय बर्निया एंड ट्रेवल इंडिया बाय ट्रेवेन्यू। और उन सारे अकाउंट में से दो सबसे ज्यादा जो मशहूर अकाउंट है उनमें से एक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो बर्निया ने लिखी थी, और दूसरी है ट्रेवल इन इंडिया जो लिखी थी ट्रेवेन्यू ने। Now we will move on to next para, war of succession। कि आखिर किसको वो गद्दी मिलेगी, इसकी कैसी लड़ाई हुई। In 1657 शाहजहां fell ill। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए। A war of succession broke out between his sons दारा शिकोह सहूजा, औरंगजेब एंड मुराद, और उसके बेटों में लड़ाई छिड़ गई कि पापा के मतलब उनके वालिद साहब के बाद कौन उनकी जगह राजा बनेगा। शाहजहां हैड नॉमिनेटेड दारा शिकोह एज अ सक्सेसर बट औरंगजेब इमर्ज विक्टोरियस इन दिस वॉर सक्सेशन 1658। शाहजहां चाहते थे उनके सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह उनके बाद सब कुछ संभाले, लेकिन औरंगजेब ने जब अपने सारे भाइयों से लड़ाई करी तो औरंगजेब उस लड़ाई में जीत गए जो लड़ाई हुई थी 1658। ही किल्ड हिज थ्री ब्रदर्स एंड इम्प्रिजन्ड शाहजहां इन आगरा फोर्ट वेयर ही डाइड इन 1666। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और अपने पिता को आगरा फोर्ट में बंदी बना लिया जहां शाहजहां का इंतकाल हो गया 1666 में। अगला है औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम पीरियड था 1658 से लेकर 1707। मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स। जो महान मुगलों का जिनका हम जिक्र करते हैं उनमें जो आखिरी मुगल थे उनका नाम था औरंगजेब। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1658 एंड टुक द टाइटल ऑफ आलमगीर कंक्वेरर ऑफ द वर्ल्ड। और औरंगजेब ने अपना साम्राज्य संभाला 1658 में, उन्हें भी टाइटल मिला आलमगीर का जिसका मतलब है दुनिया में कब्जा करने वाला। ही रूल फॉर 49 ईयर्स। उन्होंने 49 ईयर्स तक अपना राज्य किया। इट वॉज अंडर हिम दैट द मुगल एम्पायर रीच इट्स ग्रेट टेस्ट एक्सटेंट। और उन्हीं के राज्य के दौरान मुगल एम्पायर ने अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा। हिज एम्पायर एनकंपास ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके साम्राज्य ने लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया था। लाइक हिज प्रीडिसेसर ही हैड टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर रीजन्स ऑलरेडी अंडर मुगल अथॉरिटी। जो राज्य पहले से मुगल अथॉरिटी के अंदर थे उसे वहां पर भी अपना कंट्रोल करना था। हिज राइज ऑल्सो सो मेनी रिवॉल्ट्स एंड रिबेलियंस। उसके राज्य के दौरान बहुत सारी लड़ाइयां हुई, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हुए। द सप्रेशन ऑफ दीज रिवॉल्ट टुक अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज। और इन लड़ाइयों को खत्म करने में बहुत सारी एनर्जी और जरिए बर्बाद भी हुए। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 41। औरंगजेब एम्पायर इन द नॉर्थ ईस्ट, द रूलर ऑफ कोच बिहार एंड द रूलर ऑफ अहोम्स रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल्स। नॉर्थ ईस्ट में कोच
एक कबीला था जो बिहार में था, और जो रूलर थे कोच के और अहम्स के, उन्होंने लड़ाई करी मुगलों के खिलाफ। दे वर वायलेंट वॉर्स इन विच कोच बिहार वॉज एनेक्स एंड गुवाहाटी एंड गढ़गांव वर रीऑक्युपाइड फॉर सम टाइम। ये बहुत सारी हिंसक लड़ाइयां हुई जिसमें कोच और बिहार पे कब्जा किया गया, गुवाहाटी और गढ़गांव पे दोबारा से कब्जा किया गया। इन द नॉर्थ वेस्ट द पठान ट्राइब्स रिवोल्टेड इन 1667-1672, और नॉर्थ वेस्ट में पठान के कबीलों ने 1667 और 1672 में लड़ाई लड़ी। इन नॉर्थ इंडिया औरंगजेब इंक्रीज द लैंड टैक्स, दिस ब्रॉट हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद जाट। नॉर्थ इंडिया में औरंगजेब ने जमीन के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया जिससे उसके खिलाफ हो गए जाट, द सतनामीज एंड द बुंदेलाज। जाट, सतनामीज और बुंदेलाज ये सब खिलाफ हो गए औरंगजेब के। औरंगजेब पॉलिसीज ऑफ इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द राजपूत ट्रेडर मेवाड़ एंड मवाब ब्रॉट हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत एज वेल। और औरंगजेब ने जो अपनी दखल अंदाजी करी राजपूतों के आपसी मामलों में, उसकी वजह से मेवाड़ और मरवाड़ भी के राजपूत भी उसके खिलाफ हो गए। द लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट स्ट्रगल ऑफ औरंगजेब वॉज अगेंस्ट शिवाजी एंड द मराठास। सबसे लंबी और मुश्किल जो उसकी लड़ाई औरंगजेब की चली वो चली शिवाजी और मराठास। दिस स्ट्रगल कैप्ट हिम द दक्कन फॉर अ लॉन्ग। और इसी लड़ाई की, इसी जद्दोजहद की वजह से दक्कन में औरंगजेब बहुत लंबे समय तक रहे। पीरियड ऑफ टाइम, औरंगजेब हैड टू फेस द रिवॉल्ट ऑफ सन अकबर एज वेल। औरंगजेब को अपने बेटे अकबर की लड़ाई का भी सामना करना था, हु हैड जॉइंट विद द राजपूत एंड द मराठास एंड द दक्कन सल्तनत, क्योंकि उनके बेटे ने राजपूतों, मराठा और दक्कन के सुल्तानों से हाथ मिला लिया था। औरंगजेब सेंट एन आर्मी अगेंस्ट द दक्कन सल्तनत, बेरार, बिदार, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्कन की सल्तनतों के खिलाफ अपनी सेना भेजी एंड कैप्चर्ड बीजापुर एंड गोलकुंडा, और बीजापुर एंड गोलकुंडा पर अपना कब्जा कर लिया। अकबर फ्लेड टू पर्शिया, दो औरंगजेब रिमेन इन द दक्कन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अकबर पर्शिया चले गए लेकिन औरंगजेब बहुत लंबे वक्त तक दक्कन में ही रहे। ही कुड नॉट क्रश द मराठा पावर कम्प्लीटली, वो पूरी तरीके से मराठाओं को हरा नहीं पाए। आफ्टर शिवाजी डेथ हिज सन संभाजी सक्सीडेड हिम, शिवाजी के इंतकाल के बाद उनके बेटे संभाजी ने उनकी जगह ली। ही ब्रेवली फॉट अगेंस्ट द मुगल बट वॉज कैप्चर एंड लेटर एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी लेकिन बाद में औरंगजेब ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। डिस्पाइस दिस औरंगजेब फेल टू कंक्वेर द मराठा किंगडम। संभाजी को अरेस्ट करने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद भी औरंगजेब मराठा साम्राज्य पर कब्जा करने में फेल हो गए। इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज वॉर्स, औरंगजेब लॉन्ग एस्पेस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड हिज लैक ऑफ स्टेटसमैनशिप। इन सारी लड़ाइयों का असर ये पड़ा कि नॉर्थ इंडिया में बहुत लंबे वक्त तक औरंगजेब नहीं गए, जिसकी वजह से वीकेंड द मुगल एम्पायर कंसिडर्ड, इसकी वजह से मुगल एम्पायर लगातार कमजोर होता चला गया। ही डाइड इन 1707, हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन। 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हो गया, उनके बाद उनके बेटों में लड़ाई हुई कि आखिर उनके बाद कौन राजा बनेगा। अगला आता है औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसीज, औरंगजेब की धार्मिक पॉलिसीज क्या थी। औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स गॉड फियरिंग मुस्लिम, औरंगजेब एक रूढ़ीवादी अल्लाह से डरने वाले मुसलमान थे। ही लेड अ सिंपल एंड डिसिप्लिन लाइफ एंड डिड नॉट लाइक ऑस्टेंटेशन, वो एक बहुत सरल डिसिप्लिन वाली जिंदगी जीते थे और उन्हें बिल्कुल भी अपना पैसा ताकत दिखाना पसंद नहीं था। ऑस्टेंटेशन मतलब होता है दिखावा करना। ही वॉज कॉल्ड जिंदा पीर और अ लिविंग सेंट, लोग उन्हें जिंदा पीर कहते थे। ही वॉन्टेड टू रूल अकॉर्डिंग टू द शरिया इस्लामिक लॉ, वो शरिया के हिसाब से राज करना चाहते थे। ही बैंड म्यूजिक इन हिज कोर्ट एंड स्टॉप द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड गैम्बलिंग, उन्होंने अपने दरबार में म्यूजिक बजाना, शराब पीना और जुआ खेलना मना कर दिया था। ही गेव अप अकबर पॉलिसीज ऑफ टॉलरेंस, उन्होंने अकबर की टॉलरेंस बर्दाश्त करने की पॉलिसी को भी छोड़ दिया था। ही इंट्रोड्यूस जिजिया विच वॉज बिटरली अपोज बाय द हिंदू, उन्होंने जिजिया को दोबारा शुरू करा जिसके खिलाफ हिंदू थे। औरंगजेब अलाउड डिक्रीज इन द जिजिया कलेक्टेड इफ देयर वाज क्रॉप फेलियर, औरंगजेब ने यह अलाउ कर दिया था अगर किसी की फसल खराब हो जाती तो जिजिया कम लिया जाएगा। ही ऑल्सो सस्पेंडेड जिजिया इन द साउथ व्हेन ही वाज एट वॉर विद द मराठास, उसने जिजिया को साउथ में खत्म कर दिया जब उसकी लड़ाई चल रही थी मराठाओं से। इन द बिगनिंग ऑफ हिज राइन औरंगजेब फॉलोड द शरिया रूल ऑफ नॉट डिस्ट्रॉइंग ओल्ड टेम्पल्स, अपने रूल की शुरुआत में औरंगजेब ने शरिया रूल को फॉलो करा कि उसे पुराने मंदिरों को बर्बाद नहीं करना। ही डिड नॉट अलाउ बिल्डिंग ऑफ न्यू। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 42। ही डिड नॉट अलाउ बिल्डिंग ऑफ न्यू वंस, लेटर ही ऑर्डर नंबर ऑफ टेम्पल्स टू बी डिस्ट्रॉयड, उसने नए टेम्पल्स बनाने की इजाजत नहीं दी थी। ही ऑल्सो केम इन टू कन्फ्लिक्ट विद द सिक्स व्हेन ही हैड देयर गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड,
उसकी सिखों से भी लड़ाई हुई, जिस वक्त उनके गुरु थे गुरु तेग बहादुर। द सिक्स अंडर गुरु गोबिंद सिंह फॉर्म द खालसा मिलिट्री ब्रदर एंगेज इन अ स्ट्रगल विद द मुगल्स। और जब सिखों के अंदर आए गुरु गोबिंद सिंह तो उन्होंने अपना एक कम्युनिटी बनाया जिसका नाम रखा खालसा, और उन्होंने खालसा ग्रुप के लोगों ने मुगल लोगों से लड़ाई ली। ही डिसकॉन्टिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन विच हैड बीन स्टार्टेड बाय अकबर। उसने झरोका दर्शन की प्रैक्टिस को खत्म कर दिया जिसे अकबर ने शुरू करा था। झरोका दर्शन का मतलब ये था कि जो अकबर थे वो अपनी बालकनी में आगे लोगों से मुलाकात करते थे। दो औरंगजेब डिस्करेज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, वी हैव सेवरल वॉल्यूम्स सच एज। औरंगजेब ने इस चीज़ को कभी तवज्जो नहीं दी कि लोग इतिहास को लिखें, लेकिन फिर भी हमें औरंगजेब के रूल के बारे में बहुत सारी हिस्ट्रीज मिलती हैं, जैसे आलमगीर नामा जो मोहम्मद काजिम ने लिखा, फतूहत आलमगिरी जो ईश्वरदास ने लिखी, मुंतखाबुल लुबाब जो खाफी खान ने लिखी, जिससे हमें औरंगजेब के राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके बाद स्टूडेंट्स जितना हम डायरेक्टली वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 44। इसके बाद जो पेज नंबर 42 पे बचता है वो, और जो 43 पे बचता है वो आपको करना नहीं है। डायरेक्टली वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 44। ओके, द मुगल एम्पायर आफ्टर द ग्रेट मुगल्स। द मुगल एम्पायर हैड रीच्ड इट्स ज़ेनिथ अंडर द औरंगजेब। इट वॉज अंडर हिम दैट द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेट। ये बात सच है कि औरंगजेब के राज्य के दौरान मुगल एम्पायर अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा, लेकिन इसी के राज्य के दौरान मुगल एम्पायर अपनी नीचे भी गिरने लगा था। आफ्टर इज डेट इन 1707 अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट बिटवीन हिज सन। उसके इंतकाल के बाद उसके बेटों में जंग छिड़ गई। हिज सक्सेसर वाज इनकेपेबल एंड इनएफिशिएंट, दस द नोबल्स बिकेम वेरी पावरफुल। उसके बाद जो उसके वंशज आए वो इतने काबिल नहीं थे, इतने ताकतवर नहीं थे, जिसकी वजह से दुश्मन मजबूत होते चले गए, ताकतवर होते चले गए। द मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड डिसअपीयर्ड एज अर्ली एज 1739 एट द टाइम ऑफ नादिर शाह इन्वेंशन। मुगल एम्पायर खत्म होने लगा अपने में ही जब 1739 में आया नादिर शाह। बाय दिस टाइम द डिस्टेंट प्रोविंसेस सूबा सच एज गुजरात बंगाल अवध एंड हैदराबाद हैड बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट। और इस वक्त तक जो छोटे छोटे सूबे थे जैसे गुजरात बंगाल अवध और हैदराबाद, अब वो बड़े बड़े राज्य बन चुके थे। द टाइटल ऑफ द मुगल बादशाह एम्परर लास्टेड टिल 1857 बट द एम्पायर डिड नॉट। जो मुगल बादशाह एम्परर का टाइटल था वो 1857 तक रहा, लेकिन एम्पायर नहीं रहा। आफ्टर औरंगजेब डेथ द लेटर मुगल्स कुड नॉट होल्ड ऑन टू एम्पायर क्रिएटेड बाय द ग्रेट मुगल्स। औरंगजेब के इंतकाल के बाद जो मुगल आए वो मुगल एम्पायर को जो महान मुगलों ने संभाला था उस तरीके से नहीं संभाल पाए। द मुगल एम्पायर रिमेन एम्पायर नेम ओनली विद जस्ट अ स्मॉल एरिया अंडर हिज कमांड। औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगल एम्पायर सिर्फ नाम के लिए एक शाही परिवार रह गया था जिसके अंदर वह छोटा सा एरिया था। इन्वेजन बाय नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली 19th सेंचुरी फर्दर वीकेंड द मुगल। और जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने 18वीं सदी में मुगलों पर अपना अटैक करा, उस वक्त मुगल और ज़्यादा कमज़ोर होने लगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर। नाउ वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। सो फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। बाबर रूल फ्रॉम, बाबर ने कहाँ से राज्य करना शुरू किया था, फरगाना गुजरात अवध और पानीपत। द करेक्ट ऑप्शन इज फरगाना। सेकेंड, हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय, हुमायूं नामा किसने लिखी थी, हुमायूं गुलबदन बेगम अबुल फजल बदौनी। द करेक्ट आंसर इज गुलबदन बेगम। बैरम खान वॉज द एजेंट सॉरी रेजेंट ऑफ बेगम खान, बैरम खान किसके रेजेंट थे, बाबर अकबर जहांगीर और शाहजहां अकबर के। द टाइटल ऑफ आलमगीर वॉज अडॉप्टेड बाय, आलमगीर का टाइटल किसको मिला था, औरंगजेब को। अब्बास खान शर्वानी वॉज द ऑथर ऑफ द, अब्बास खान शर्वानी ने क्या लिखी थी, तारीख शेर शाही। नाउ कम टू ट्रू फॉल्स। जिजिया वॉज अबॉलिश बाय अकबर, ट्रू, जिजिया अकबर ने खत्म करा था, ट्रू। द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन वॉज स्टार्टेड बाय औरंगजेब, झरोका दर्शन की प्रैक्टिस को औरंगजेब ने शुरू करा था, फॉल्स, झरोका दर्शन अकबर ने शुरू किया था। द सवार रैंक सिग्निफाइड द रैंक एंड सैलरी ऑफ द मनसबदार, फॉल्स। द सिल्वर कॉइन कॉल रुपया वॉज इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह सूरी, ट्रू। द बाबर नाम वॉज रिटन इन पर्शिया, फॉल्स। नाउ कम टू द फिलिंडा ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल्म द ब्लैंक है, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन डैश एंड डैश। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किन दो लोगों के बीच में लड़ी गई थी, अकबर और हेमू के बीच में।
राणा संगा वॉज डिफीटेड बाय, राणा संगा को किसने हराया था? बाबर ने। डैश इज मोस्ट फेमस फॉर हिज गोल्डन बेल ऑफ जस्टिस, ये बहुत ज्यादा फेमस थे अपने गोल्डन बेल ऑफ जस्टिस के लिए। और ये कौन थे? जहांगीर। शाहजहां हैड नॉमिनेटेड दारा शिकोह एज ए सक्सेसर, शाहजहां ने किसको नॉमिनेट किया था अपना सक्सेसर बनने के लिए? दारा शिकोह को। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर अकबर वॉज फ्रेम्ड बाय, अकबर के अंडर जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था उसको किसने फ्रेम किया था? राजा तोदारमल ने। नाउ वी विल कम मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 46। आप एक बार दोबारा देख लीजिए एक्सरसाइज। वन वर्ड के फर्स्ट में आएगा मनसबदारी सिस्टम, वन वर्ड के सेकंड में आएगा खालसा, थर्ड में आएगा अकबर और फोर्थ में आएगा अबुल फजल। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन आंसर में जो आपका क्वेश्चन नंबर ई है, गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मुगल्स वर द डिसेंडेंट ऑफ विच टू फेमस रूलर्स। क्वेश्चन नंबर वन के सॉरी क्वेश्चन नंबर ई के आंसर नंबर वन के लिए आइए पेज नंबर 34 पे। पेज नंबर 34 पे यहाँ पे द मुगल से लेके यहां तक फादर साइड तक, ये है आपका ई का आंसर नंबर वन। ओके, नाउ ई के आंसर नंबर टू के लिए, ई का क्वेश्चन नंबर आपका टू है, बिटवीन हुम एंड व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉर, किसके बीच में और कब हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी गई थी? इसके आंसर के लिए आइए पेज नंबर 37 पे। पेज नंबर 37 पे ये जो आपका पिंक कलर का बॉक्स है, इस बॉक्स के थर्ड पैरा की फोर्थ लाइन में, यहां से महाराणा प्रताप से लेके 1576 तक है आपका आंसर नंबर ई का टू। आंसर नंबर ई का थ्री जो आपका क्वेश्चन नंबर है, व्हाट वर वतन जागीर, इस क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए। नेक्स्ट है हु वाज बदौनी, बदौनी वाले आंसर के लिए आइए पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर 38 पे आपका जो पिंक बॉक्स है, इसके लास्ट पैरा में लिखा है वी आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन, वी आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन से लेके फिफ्थ लाइन में इंडिया तक है आपका आंसर नंबर ई का फोर। डन। आंसर नंबर ई के फाइव के लिए आपका फाइव नंबर है हु वॉज द लॉस, हाउ वॉज द लॉस ऑफ कंदाहर अ ग्रेट सेटबैक फॉर द मुगल्स, कंदाहर की हार मुगलों के लिए कैसे बहुत पिछड़ा हुआ सेटबैक था? इसके लिए आइए पेज नंबर 39 पे। पेज नंबर 39 पे आपका आंसर नंबर ई के फाइव का आंसर है यहां से लास्ट पैरा में इन से लेके पर्शिया तक, ये है आपका ई का आंसर नंबर फाइव। आई होप स्टूडेंट्स आपने सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए होंगे, आपको कॉपी के अंदर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं और आपको आंसर नंबर ई जो है आपका गिव शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको ये अपनी कॉपी में करना है। बाकी सारा बुक वर्क आपको बुक के अंदर ही रहने देना है, फ्लिंदा ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर और आपके वन वर्ड, ये बुक्स के अंदर ही रहेंगे। बस आपके गिव शॉर्ट आंसर, आपका जो आंसर नंबर ई है वो, आपका क्वेश्चन नंबर जो ई के चार क्वेश्चंस हैं ये, और आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बस आपको यही अपनी कॉपीज के अंदर करने हैं। सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क एंड प्लीज़ राइट इट डाउन योर डायरीज के कंप्लीट लेसन नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री इन योर नोटबुक्स। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन रिपीट योर वर्क केयरफुली एंड डू योर वर्क केयरफुली। अल्लाह हाफिज़।